मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन फर्स्ट देंट डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टेटिक प्रशर फिल्ट्रेशन इन ब्लड कैपलरीज एंड फिल्ट्रेशन इन किडनीज अगर आप फिल्ट्रेशन की बात करें तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती हैं जिसमें सिंपल डिफ्यूजन है फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ऑसमोस है, osmosis है ये बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के करॉस मूव करवाए जाते हैं तो फिल्ट्रेशन इट्स सेल्फ मालिक्यूल्स की एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व होता है अगर हम वाटर के प्रेशर की वजह से किसी तरह के मालिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ मूव करवा रहे हैं तो डैट इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो हम यही कहते हैं कि फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स द मालिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से उनको दूसरी तरफ जाओ मूव करवाएंगे अच्छा अब आता है कि व्हाट इज़ हाइड्रोस्टिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेसिकली वाटर के मालिक्यूल्स का प्रेशर है ये वैसे ही है कि जैसे आपको पता है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मालिक्यूल्स है वो ये कहती है कि हर चीज़ जो है उसके मालिक्यूल्स के पास एनर्जी की मौजूद है सॉलिड के मालिक्यूल जस्ट वाइब्रेट करते हैं लिक्विड्स के मालिक्यूल्स क्या करते हैं मूव करते हैं एक खास जो है वो जो इन्वामेंट के अंदर जो है मूव करते हैं जबकि गैस के मालिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है अब जो वाटर मालिक्यूल जब मूव करेंगे दे विल कोलाइड विद ईच अदर वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं टकराते हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब जितना वाटर के मालिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या है वो इंक्रीज करता चला जाएगा अब जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वाटर के मालिक्यूल्स चूँकि हर तरफ मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो सिंपली अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अच्छा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को सिर्फ नीचे की तरफ अप्लाई होना चाहिए तो ये हर तरफ क्यों हर डायरेक्शन में क्यों अप्लाई होता है तो इसका आंसर यह है कि क्योंकि वाटर मालिक्यूल दे कैन मूव इन ईच डायरेक्शन वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं इसलिए वो हर डायरेक्शन में जो वो प्रेसर अप्लाई करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आमतौर पर जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है यानी डेप्थ इंक्रीज होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्प्लीशंस हैं इन ब्लड कैपिलरीज अच्छा आप ये सोचें कि हम अगर फूड खाया खुराक खाई है डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में चला गया और ब्लड में जाने के बाद ये जो हार्ट है उसने पंप किया फूड को वो फूड सारा का सारा सर्कुलेट करता हुआ हमारे ब्रेन तक चला गया हमारी लेग्स तक चला गया है या बाकी बॉडी पार्ट्स तक चला गया वो फूड जो है वो ब्लड कैप आर्टरी से कैपिलिज में जाएगा और कैपिलरी से अगर वो वापस दोबारा वेंस के थ्रू फिर वापस हा, हार्ट में चला आए तो उसका कोई बेनिफिट हमारी बॉडी को होगा या नहीं होगा असल बेनिफिट तो ये है कि जो फूड है कैपलरीज में जाने के बाद वो सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अगर वो कैपिलरी से निकल सेल्स की तरफ नहीं जाएगा टिश्यूज़ को नहीं पहुँचेगा तो फिर उस फूड का हमें बेनिफिट नहीं होगा अब जो नेचर है एक सिस्टम यह है कि जो ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं जो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक फ़िल्ट्रेशन प्रेशर है जैसे ही कैपिलरीज में ब्लड पहुंचता है तो पीछे से हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो वहाँ एक फिल्ट्रेशन जो प्रेशर अप्लाई होगा ब्लड के ऊपर जिसकी वजह से जो फूड मालिक्यूल्स और गैसेज वगैरह जो हैं दे विल डिफ्यूज़ आउट स्पेशली जो फूड मालिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे वो डिफ़्यूज़ आउट बाहर आ जाएंगे अमाइनो एसड्स ग्लूकोज़ ब्लड कैपिलरीज को छोड़कर बाहर आएंगे वहाँ से सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे तो इस तरह से जो हमारे टिश्यूज़ को फूड पहुंचता है कैपलरीज से वो बेसिकली क्या है कि उसमें ब्लड प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पीछे से हार्ट एक प्रेशर अप्लाई करेगा जिस जो एक्चुअली फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रेशर होता है तो इस हम सिंपली वे में अगर मैं ये कहूँगा जो हमारी फूड हमारे सेल्स को पहुँचती है तो इट कैपिलरीज के अंदर ये फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जो क्या करता है कि फूड को कैपिलरी से निकाल कर ब्लड से, से निकाल कर सेल्स को पहुँचाता है यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लड है वेम वैन इट इज़ कमिंग फ्राम हार्ट तो इसके अंदर क्या है कि न्यूट्रेंट्स मौजूद है डिफरेंट टाइप्स के आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स हैं दे आर सम लार्ज मालिक्यूल्स अब जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो ब्लड कैपिल्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपिलस की वॉल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं वो स्मॉल साइज के हैं अब पीछे से मुसलसल ब्लड प्रेशर जहाँ वो फोर्स किया जा रहा है ब्लड को जबकि आगे गुजरने के लिए स्पेस कम है तो वट विल हैपन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्मॉल मालिक्यूल दे कम आउट ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर यानी कि ये टिश्यू फ्लूड का हिस्सा बनेंगे और यहाँ मौजूद हैं सेल्स तो बाहर आने के बाद ये फूड मालिक्यूल्स या जो भी स्माल मालिक्यूल दे रीच टू द सेल्स अब अगर सपोज यहाँ फिल्ट्रेशन प्रेशर ना होता फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर ना होता तो फिर स्मॉल मालिक्यूल्स कभी भी ब्लड कैपिलरी से बाहर ना आते और इन सेल्स को कभी भी फूड ना मिलता सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ इन द किडनीज किडनीज में जो वेस्ट मटेरियल है आपको पता किडनी के दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं एक है water. ये है कि इट कंजर्व द वाटर ये वाटर को कंजर्व करता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखता है बेसिकली ऑस्मॉर रेगुलेशन कहते हैं कि अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है तो किडनीज को रिमूव कर देंगे अगर कम आ रहा है तो किडनीज को कंजर्व करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो किडनी का है जिसको हम प्राइमरी रोल भी किडनी का कहते हैं वो है नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से एक्सक्रीट करना बाहर निकालना जब वो अब अगर हम किडनीज को देखें किडनी के अंदर आप नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ जाता है नेफ्रॉन के एक पोर्शन है जिसको नेफ्रॉन बेसिकली टिब्यूल्स हैं किडनी के तो वहाँ ग्लोबैरोस पोर्शन के अंदर ब्लड जब प्रेशर के साथ पहुँचेगा अब ग्लोबैरोस के अंदर जब जाँग प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड कैपली से निकल कर किडनी के नेफ्रोन में चले जाएंगे तो फिर वो आगे से क्या होगा कि फिल्टर आउट होकर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकाल दिए जाएंगे अगर ब्लड प्रेशर अप्लाई ना होती फिल्ट्रेशन प्रेशर ना होता तो कभी भी वेस्ट मटेरियल जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो हमारे ब्लड से निकल कर किडनी के अंदर एंटर ना होते तो इसका मतलब ये हो कि जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है नाइट्रोजन वेस्ट को अलग करने का प्रोसेस में फिल्ट्रेशन इज़ हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल